हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका टैग लाइन है क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपका लास्ट एग्जाम बचा हुआ है और जिसके लिए आप लोगों ने बहुत हेल्प मिल रही है मेरे वीडियो से, उसके लिए थैंक यू। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो इस पार्ट वन में हम बात करेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पार्ट टू में भी 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आपके साथ हैं। तो 30+30 यानी कि 60 क्वेश्चन का मटेरियल आपके पास है, और सारे वीडियोस में आपको हेल्प मिली है, अप्रॉक्स आपके पासिंग मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं, और बाकी आपकी मेहनत थी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का पार्ट वन 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपके पहला क्वेश्चन। प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड, संयुग्मित एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एपो एंजाइम, एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम और होलो एंजाइम। तो उसका सही आंसर है ए, एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का गुण नहीं है। तो आपको पता है जो एंजाइम है वो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें जो प्रॉपर्टी नहीं है, सही आंसर है थर्मो स्टेबिलिटी, यानी कि वो हीट पे स्टेबल नहीं रह सकते किसी एक स्टेबल पे, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं। जब उनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तब उन इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी, और जो रिएक्शन होता है बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है उसको वो स्टिमुलेट करते हैं, तो इस वजह से ये थर्मो स्टेबिलिटी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सम एंजाइम्स आर कॉल्ड, कुछ एंजाइम्स में बहुरूप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? को एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, हेलो एंजाइम। तो इसका सही आंसर है सी, आइसो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इनमें से क्या है जो ट्रू है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के लिए? तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ केएम इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ केएम डिक्रीज, वी मैक्स इज लोवर्ड, या बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर है ए, जो वॉल्यूम ऑफ केएम है वो इंक्रीज करता है कॉम्पिटेटिव, और साथ ही साथ आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन भी सेम प्रोसेस करता है, वो भी वॉल्यूम ऑफ केएम को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इसमें से कौन एक ऐसा है, कोई एक सिंगल ऐसा है जो सत्य नहीं है, मतलब गलत है स्टेटमेंट? तो क्या कह रहा है, इट इज रिवर्सिबल, क्या ये रिवर्सिबल होता है? तो हाँ जी ये होता है। इट इज इरिवर्सिबल, क्या ये इरिवर्सिबल होता है? तो आप कहेंगे कि रिवर्सिबल है तो ये इरिवर्सिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मे भी होता है, ये दोनों कंडीशन होती है इसकी, रिवर्सिबल भी होती है इरिवर्सिबल भी होती है। सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों कंडीशन होती है, इसलिए बी और ए के लिए सी जो है ये हम टिक कर देंगे, क्योंकि इसका सही आंसर है बोथ, ये रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। तो इसमें कह रहा है कि कोई एक ऐसा है जो सत्य नहीं है, तो किसी एक को हम सच नहीं कह सकते, दोनों लेके चलेंगे, दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं क्योंकि ये दोनों कंडीशन इसमें फॉलो होती है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिक्स नंबर, कोलिन स्ट्रेस इज हेल्प फुल इन डायग्नोस ऑफ, कोलिनस्ट्रेस किसके निदान में सहायक है या किसकी डायग्नोसिस करने के लिए सहायक है? तो इसका सही आंसर है वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कहाँ होता है, आपका लीवर, ये एक लीवर डिजीज है, तो उसका सही आंसर है ये ए, वायरल हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग को फैक्टर रिक्वायर्ड सेपरेट एपो एंजाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, निम्नलिखित में से किस सहकारक को समूहों के स्थानांतरण के लिए पृथक
एपोएंजाइम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है सी, कोएंजाइम। कोएंजाइम को ही कोफैक्टर, क्योंकि यहाँ देखिए कोएंजाइम और यहाँ पे कोफैक्टर रिलेशन है, फैक्टर रिक्वायर्ड होता है सेपरेट करने के लिए एपोएंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक्टिव साइट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज फॉर्म बाय, संयुग्मित एंजाइम का सक्रिय स्थल किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन ए है एपोएंजाइम, सही है। ऑप्शन बी है कोफैक्टर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है डी, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पेप्सिन डाइजेस्ट इन द प्रोटीन इनटू, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाता है, तो किस में पचाता है? प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, सही है। प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में भी, पेप्टोन्स में भी ब्रेक डाउन होता है, और सी है प्रोटेज में भी ये ब्रेक डाउन होता है। तो इसका सही आंसर हम कहेंगे ये डी है, ऑल ऑफ द अबव इज सही। देखिए इसके पीछे क्या थ्योरी है वो समझ लीजिए। पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, जो पेप्सिन है आपका, ये क्या करता है जब HCl प्रेजेंट होता है डाइजेस्ट करने के लिए, पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाइजेस्ट प्रोटीन, जब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है टू पेप्टोन, तो सबसे पहले ये बनता है पेप्टोन मेनली जो होता है थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। तो देखिए प्रोटीन एसिड मेटिया प्रोटीन बना, उसके बाद ये बना प्राइमरी प्रोटेज, जिसकी बात हो रही थी ये प्रोटेज आ गया, सेकेंडरी प्रोटेज, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटेज आ गया, पेप्टोन ये आ गया आपका, ठीक है, उसके बाद ये बनता है अमीनो एसिड, ठीक है, तो ये बन गया अमीनो एसिड। तो इसमें से इसका डी आंसर जो है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीटेड बाय पेंक्रियास, पेंक्रियास के द्वारा क्या स्रावित होता है? अग्नाशय यानी पेंक्रियास के द्वारा क्या स्रावित होता है? तो लाइपेज होता है, फॉस्फोलाइपेज भी होता है, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज भी होता है। तो इसका सही आंसर है डी, सारी चीजें इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है फाइटिलीन, जो फाइटिलीन है आपका, ये है एंजाइम ऐसा है जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर, लैक्टोज हाइड्रेज इज स्मॉल इंटेस्टाइन टू यील्ड, उपज के लिए छोटी आंत में लैक्टोज हाइड्रोलाइज क्या होता है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं लैक्टोज, यानी कि यहाँ पे लैक्टोज हाइड्रेज की बात हो रही है, वो भी कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन की यील्ड में। तो उसका सही आंसर है सी, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के रूप में प्रेजेंट होता है या ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स देयर पार्शली नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जो पार्शली नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? पार्शली मतलब है पूर्ण रूप से, नो का मतलब है नहीं, मतलब जहां पर पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं हो पाता है वो कौन सा है? तो उसका सही आंसर है स्टमक, बाकी सारी चीजें स्टमक में डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो स्टमक से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सम एंजाइम्स आर कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन आपको पता है आंसर इसका, आइसो एंजाइम, इसका सही आंसर है। 15 नंबर तरफ बढ़ते हैं। साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट क्या है? देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति होना या किसी चीज का बनना, और ग्लूकोन यानी यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है किडनी में भी होता है और ये लीवर में भी होता है। तो सही आंसर है इसका डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक फेज ऑफ ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलाइसिस के
वैवीय चरण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो उसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेस ग्लूकोज, निम्न में से एक खुराक में ग्लूकोज नहीं होता है। किसमें नहीं होता? तो स्टार्च में होता है, ग्लाइकोजन में होता है, सेल्यूलोज में होता है, लेकिन इंसुलिन में नहीं होता। तो उसका सही आंसर है सी, जिसमें डज नॉट पोसेस ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेक्सोज इज फाउंड इन सेमिनल फ्लूड एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सोज वीर्य द्रव द्वारा पाया जाता है और शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है? तो उसका सही आंसर है बी, डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेट्रोज, निम्नलिखित में से कौन एक टेट्रोज है? तो उसका सही आंसर है एरिथ्रो रोज। ये होता है आपका मोनोसेक्राइड, मतलब इसमें सुगर का एक मॉलिक्यूल होता है, बाकी सब में एक से ज्यादा होते हैं। तो इसका सही आंसर है एरिथ्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मिल्क प्रोटीन कैसाइन इज डाइजेस्ट बाय द एंजाइम, दूध प्रोटीन कैसाइन एंजाइम द्वारा पचाता है? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, पेप्सिन, रेनिन एंड सोमैटोस्ट्रेपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, निम्न से एक किशोर शुरुआत मधुमेह IDDM का कारण नहीं बनता है? इसका सही आंसर है ओबेसिटी एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, ये एक कारण होता है जो कि शुरुआती मधुमेह का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। ग्लाइकोसूरिया अकर्स व्हेन द वेनस ब्लड्स ग्लूकोज एक्सीड, ग्लाइकोसूरिया तब होता है जब सिरा परक रक्त शर्करा से अधिक हो जाता है। सिरा परक रक्त यानी कि ब्लड शुगर की बात हो रही है, ब्लड ग्लूकोज की बात हो रही है। तो ग्लाइकोसूरिया एक स्टेज होती है जिसमें शर्करा अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 160 से 180 हो जाता है जब, तब ये ग्लाइकोसूरिया का स्टेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया इज कॉज्ड बाय, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द दीज, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरपिट्यूटरीज्म और हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। ये तीनों एक ऐसा कॉज है या रीजन है जिसके कारण आपका हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द जनरेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलीकरण की एक पीढ़ी है, क्या पीढ़ी है? सही आंसर है सी, एटीपी, एटीनो ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच इज द सोर्स ऑफ पाइरूवेट फॉर्मेशन अदर देन ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलिसिस? उसका सही आंसर है फॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बाय डिमिनेशन ऑफ एलानिन, बाय डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ ऑक्सालैक्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, निम्न से कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर है? तो इसका सही आंसर है सेरोटीन, मेलाटीन, नाइट्रिक एसिड, तीनों जो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ग्लूटाथियोन इज ए केमिकली, क्या होते हैं ग्लूटाथियोन जो केमिकली होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है ये ट्राई पेप्टाइड होते हैं, इनके अंदर पेप्टाइड की तीन चैन होती है, तो ये ग्लूटाथियोन आपका केमिकली ट्राई पेप्टाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल इज, यूरिया चक्र का प्रथम उत्पाद है, कौन सा उत्पाद होता है? तो आप सभी को पता है कार्बोमेनल फॉस्फेट जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लिपोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, लिपोजेनेसिस का गठन है, कौन सा गठन होता है? ग्लूकोज फ्रॉम फैट, फैट फ्रॉम ग्लूकोजन, फैट फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन फ्रॉम फैट। ये
आपके तीनों आंसर गलत हैं। सही आंसर है आपका सी, लाइपोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फैट फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूरिया साइकिल ऑपरेट इन, यूरिया साइकिल कहाँ ऑपरेट होती है या संचालित होती है? तो इसका सही आंसर है ये लीवर में संचालित होती है। ऐसा मत सोचिएगा कि यूरिया है तो वो किडनी में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है जो संचालित हो रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है वो लीवर में हो रहा है, और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किडनी में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन को समझ के इसको टिक करिएगा। तो ये थे हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन में। पार्ट टू में, सेकेंड पार्ट में आपके 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक, यानी टोटल 30 क्वेश्चन और आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। आप okay.